गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट देखने वाले हैं, सेमेस्टर सेकंड का। तो जो अकाउंटिंग स्पेशल के स्टूडेंट हैं, मतलब एम कॉम पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड अकाउंटिंग स्पेशल के जो स्टूडेंट हैं, उनके जो थ्री स्पेशल पेपर है, बिजनेस टैक्स असेसमेंट एंड प्लानिंग, देन स्पेशलाइज एरिया इन अकाउंटिंग एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज जीएसटी। तो ये तीन पेपर के हम फॉर्मेट देखने वाले हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है वो कैसा होगा, उसमें कौन से प्रॉब्लम और के लिए आएंगे, कितने मार्क्स के लिए प्रॉब्लम होंगे, तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। जो अकाउंटिंग स्पेशल के स्टूडेंट है उनके लिए ये वीडियो है। और एक बात, स्पेशलाइज एरिया इन अकाउंटिंग का बुक मेरे पास अभी अवेलेबल है, तो उसके वीडियो में अभी आज से ही अपडेट करने वाली हूँ। तो पहले मैं वो जो होटल अकाउंटिंग के है वो अपडेट करने वाली हूँ, बाद में इंश्योरेंस के लेने वाली हूँ। तो मैं अभी आप जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको बताऊंगी कि आपको कौन से टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन सा थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है तो उसके ऊपर आप कम ध्यान दें, या फिर आप और में कौन सा रख सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट, एम कॉम पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड स्पेशल सब्जेक्ट अकाउंटिंग। तो तीन सब्जेक्ट जो है उसके अंतर्गत उनके सभी जो क्वेश्चन पेपर है उसका हम फॉर्मेट देख रहे हैं। देखिए, आपको ये जो सिलेबस दिया गया है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, तो उसी सिलेबस के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है वो बताया गया है। तो ये देखिए, हम पहले देख रहे हैं बिजनेस टैक्स असेसमेंट एंड प्लानिंग, इसका जो क्वेश्चन पेपर है उसका फॉर्मेट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है बिजनेस टैक्स असेसमेंट एंड प्लानिंग, जो आपको 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। तो इसके सभी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो जो जो टॉपिक्स है, मतलब एग्रीकल्चरल इनकम एंड सेट ऑफ, इसके सभी प्रॉब्लम्स अवेलेबल है हमारे चैनल पर। देन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसके सभी प्रॉब्लम्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है। एंड टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ फर्म, इसके मैं अपडेट कर रही हूँ। अब आज तक हमारे 5 से 6 प्रॉब्लम हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो सिलेबस है इसी में हमें क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है, आपका इंटरनल एग्जाम हो गया है जो 30 मार्क्स का था, अभी 70 मार्क्स का जो है वो कैसा होगा ये यहाँ पर मैं बता रही हूँ। देखिए, यहाँ पर दिया गया है जो फॉर्मेट होगा 70 मार्क्स का वो किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 6 आर कंपलसरी। हम देख रहे हैं बिजनेस टैक्स असेसमेंट एंड प्लानिंग का क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू 5, 2 से लेकर 5 तक आपको कौन से भी 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है फिल इन द ब्लैंक्स होगा 6 मार्क्स के लिए। तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें 4 टॉपिक्स की फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगी। सेकंड जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन फर्स्ट यूनिट, मतलब जो एग्रीकल्चरल इनकम एंड सेटअप का प्रॉब्लम है उसके लिए 18 मार्क्स का प्रॉब्लम आएगा उसके ऊपर। फर्स्ट यूनिट आपका एग्रीकल्चरल इनकम का है। देन क्वेश्चन नंबर 3 में ए एंड बी ऐसे 2 सेक्शन हो गए, तो ए में आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा सेकंड यूनिट के ऊपर, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर 10 मार्क्स के लिए। और क्वेश्चन नंबर 3 में बी जो सेक्शन होगा उसमें थ्योरी क्वेश्चन आएगा यूनिट सेकंड के ऊपर, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आएगा, वो आएगा 8 मार्क्स के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा यूनिट 3 के ऊपर, मतलब टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ फर्म के ऊपर प्रॉब्लम आएगा 18 मार्क्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें थ्योरी क्वेश्चन आएगा यूनिट 4 के ऊपर, क्योंकि 4 नंबर का जो यूनिट है वो प्योरली थ्योरी है, सो उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा 18 मार्क्स के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें शॉर्ट नोट्स आएगी, हर एक यूनिट के ऊपर एक शॉर्ट नोट होगी, आपको कौन से भी 2 शॉर्ट नोट लिखनी है आउट ऑफ 4, 10 मार्क्स के लिए, मतलब 5 मार्क्स होगी एक शॉर्ट नोट के लिए।
यानी कि आप एग्रीकल्चरल इनकम का प्रॉब्लम कर सकते हैं 18 मार्क्स के लिए, या फिर आप सॉरी उसके साथ आप इनकम फ्रॉम फर्म या फिर टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ फर्म उसका प्रॉब्लम कर सकते हैं, वो भी 18 मार्क्स के लिए है। तो आपको कौन से भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, तो आप ये 2 प्रॉब्लम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको थ्योरी इजी लगता है तो आप ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके ऊपर पूरा थ्योरी क्वेश्चन है 18 मार्क्स का, या फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर सकते हैं जिसमें आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर 10 मार्क्स का प्रॉब्लम आएगा, और उसी चैप्टर के ऊपर 8 मार्क्स का क्या आएगा, थ्योरी क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से आप कौन से भी 3 जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं, 2 से 5 तक, 2, 3, 4, 5 इनमें से कौन से भी आपको 3 सॉल्व करने हैं। फर्स्ट एंड 6 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी है। ये क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट था बिजनेस टैक्स असेसमेंट एंड प्लानिंग का। अभी जो सेकंड पेपर है हमारा अकाउंट स्पेशल के अंडर, वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब जीएसटी का। तो जीएसटी के प्रॉब्लम बहुत छोटे छोटे हैं, तो वो मैं आपको दो तीन चार वीडियो बनाकर उसमें वो सभी प्रॉब्लम्स इंक्लूड करके दे दूंगी। तो वो बुक हमारे पास अवेलेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये जो जीएसटी का क्वेश्चन पेपर होगा वो 50% मतलब 50 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर हमें जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगी, तो फर्स्ट जो चैप्टर है जीएसटी का वो प्रिलिमिनरी ऑफ जीएसटी है मतलब थियरी का चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, एंड सेकंड चैप्टर जो है दो ही चैप्टर है। सो सेकंड चैप्टर जो है वो यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम एंड अल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम ऑफ रिटर्न्स असेसमेंट ऑडिट अंडर जीएसटी इस तरह से है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है वो किस तरह से होगा, मैं क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट आपको दिखा रही हूँ, ये आपको सिलेबस में ही इंक्लूड है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्सटर्नल जो है एक्सटर्नल एग्जाम 35 मार्क्स की एग्जाम होती है, 35 की, क्योंकि आपके 50 में से 15 मार्क्स की इंटरनल एग्जाम हो गई और 35 मार्क्स की क्या होगी एक्सटर्नल एग्जाम होगी। तो उसके क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है वो इस तरह से होगा, मिनिमम आपको पासिंग के लिए 14 मार्क्स चाहिए। तो क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है, फर्स्ट प्रॉब्लम ऑन असर्टेनमेंट ऑफ जीएसटी रेट फॉर सप्लाई ऑफ वेरियस गुड्स और सर्विसेज एनी वन आउट ऑफ टू, दो में से कौन सा भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, 5 मार्क्स के लिए होगा। देन सेकंड क्वेश्चन जो है थ्योरी क्वेश्चन होगा यूनिट फर्स्ट के ऊपर 10 मार्क्स के लिए, और उसको और अगेन उसी क्वेश्चन उसी यूनिट के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो प्योरली ऑन थ्योरी है फर्स्ट यूनिट के ऊपर। देन क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें भी थ्योरी होगा क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 के ऊपर 10 मार्क्स का, और उसको और थ्योरी क्वेश्चन ही होगा यूनिट के ऊपर सेकंड यूनिट के ऊपर 10 मार्क्स का। तो मतलब जीएसटी का जो पेपर है उसमें आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो ओनली फॉर 5 मार्क्स, बाकी सभी क्या है थ्योरी है। एंड शॉर्ट नोट जो है वो ऑल यूनिट के ऊपर मतलब 2 यूनिट है तो 2 यूनिट के ऊपर 4 में से कौन से भी 2 सॉल्व करनी है 10 मार्क्स के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है, टोटल 35 मार्क्स की क्वेश्चन पेपर है। तो 35 मार्क्स की क्वेश्चन पेपर में इस तरह से 5 मार्क्स का प्रॉब्लम आएगा, 10 मार्क्स की थ्योरी क्वेश्चन है टू क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट के ऊपर, 10 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन है यूनिट 2 के ऊपर, एंड शॉर्ट नोट है दोनों यूनिट के ऊपर 10 मार्क्स। इस तरह से जीएसटी का क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है। अभी मैं आपको नेक्स्ट पेपर बता रही हूँ जो है स्पेशलाइज्ड एरिया इन अकाउंटिंग, जो 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो उसमें से 30 मार्क्स का इंटरनल इवेल्युएशन हो गया है आपका। अभी आपको रिमेनिंग जो है 70 मार्क्स का वो पेपर आएगा स्पेशलाइज एरिया इन अकाउंटिंग। अभी इसके ऊपर ध्यान से देखिए, क्योंकि अब तक बुक नहीं अवेलेबल था मेरे पास, तो मैंने इंश्योरेंस के ऊपर प्रॉब्लम नहीं बनाए थे, लेकिन मैं अभी बनाने जा रही हूँ, लेकिन इंश्योरेंस के प्रॉब्लम जो है थोड़े से बड़े हैं। तो आपको यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर होटल कंपनी अकाउंट है, थर्ड चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के प्रॉब्लम सेम है, एंड फोर्थ चैप्टर थेरी है रिसेंट डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
देखिए ये क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है इसमें आपको अगेन जिस तरह से पहले बताया गया था वैसे ही 2 से लेकर 5 तक कौन से भी आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट है 70 मार्क्स का, 3 आवर्स का टाइम होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सिक्स कंपल्सरी, स्पेशलाइज एरिया इन अकाउंटिंग का। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक कौन से भी आपको कितने सॉल्व करने हैं, 3 सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से, इसकी मैं आपको एक ही वीडियो बना दूंगी जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स 4 चैप्टर के ऊपर आएगी और उसके आंसर भी आ जाएंगे। अभी देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2 में, ऑन यूनिट फर्स्ट 18 मार्क्स के लिए, मतलब इंश्योरेंस अकाउंटिंग जो है, इंश्योरेंस कंपनीज फाइनल अकाउंट, उसके ऊपर 18 मार्क्स का प्रॉब्लम पूछा जाएगा। अगेन क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन सेकंड यूनिट, मतलब होटल अकाउंटिंग के ऊपर 18 मार्क्स का प्रॉब्लम पूछा जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन यूनिट 3, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के ऊपर 18 मार्क्स का प्रॉब्लम पूछा जाएगा। तो आप इंश्योरेंस कंपनीज फाइनल अकाउंट, होटल कंपनीज अकाउंट एंड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इन तीनों में से कौन से भी 2 करके रखेंगे परफेक्ट तो भी चलेगा, या फिर आप तीनों प्रॉब्लम कीजिए, थ्योरी को और रख दीजिए। तो इस तरह से करेंगे, अगर आपको थ्योरी डिफिकल्ट लगती है तो आप ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, थियरी क्वेश्चन आएगा यूनिट 4 के ऊपर, तो ये आप ऑप्शन में रख सकते हैं अगर आपको थियरी इजी नहीं जाती तो फिर आप तीनों भी प्रॉब्लम कर दीजिए। अगर आपको थियरी इजी जाती है तो आप कौन से भी 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कीजिए, 1 थियरी का क्वेश्चन कीजिए, इस तरह से करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन आपको 2 से 5 तक कौन से भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हर एक को 18 मार्क्स है। एंड लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट का, अगेन 4 में से कौन से भी 2 सॉल्व करने हैं 10 मार्क्स के लिए। इस तरह से क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है। अभी मैं आपको जो स्पेशलाइज एरिया इन अकाउंटिंग के प्रॉब्लम है उसमें के न्यू बुक अवेलेबल है, तो होटल अकाउंटिंग के प्रॉब्लम में पहले कवर कर लेती हूँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, टीवाई बीकॉम का जो है कॉस्टिंग का, तो वो सेम प्रॉब्लम है, तो आप वो वीडियो भी फॉलो कर सकते हैं। तो पहले मैं होटल अकाउंटिंग कवर करूंगी, वो भी मैं लेने वाली हूँ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग के न्यू बुक के, लेकिन पहले मैं होटल अकाउंटिंग कवर करूंगी, बाद में इंश्योरेंस क्लेम एंड लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो आज ही से मैं वो वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कंप्लीट हुआ है, और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बिजनेस टैक्स असेसमेंट एंड प्लानिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसी में एग्रीकल्चरल इनकम के प्रॉब्लम है, उसी में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉब्लम है, और उसी में इनकम फॉर्म फर्म के जो प्रॉब्लम है वो भी है। मतलब तीनों टॉपिक एक ही प्लेलिस्ट में मैंने डाले हैं, तो आपको वही मिल जाएंगे, और वो सभी न्यू बुक के ही है, डोंट वरी। थैंक यू।